अमूमन भारतीय महिलाएं छिपकली से भी डरती हैं। ऐसे में यदि कोई महिला सांप पकड़ने जैसा दुष्कर कार्य सहजता से कर ले तो निश्चित ही आपको आश्चर्य होगा। महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश करती मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के अंजड़ की ये महिला निर्भीकता के साथ किसी भी प्रकार के सांपों को आसानी से पकड़ लेती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बड़वानी जिले के अंजड़ के सर्पमित्र महेंद्र पाटीदार की पत्नी पूजा पाटीदार की। गौरतलब है कि सर्पमित्र महेंद्र पाटीदार ने अपने अल्प जीवन काल में हजारों खूंखार एवं जहरीले सांपों सहित कई अजगरों को सफलतापूर्वक पकड़कर जंगलों में छोड़ा है। गन्ने के जूस का ठेला चलाकर परिवार का भरण पोषण करने वाला महेंद्र पाटीदार का पिछले दिनों असमय निधन हो गया था। वे अपने पीछे पत्नी, दो बच्चों, छोटे भाई सहित बूढ़ी माँ को छोड़कर संसार से प्रयाण कर गए थे। घर परिवार की सारी जिम्मेदारी पत्नी पूजा के कंधों पर आ गई। पूजा पाटीदार ने अपने दिवंगत पति के कार्य को अंजाम देने की ठाने ताकि परिवार की परवरिश की जा सके। पूजा बड़ी निपुणता के साथ सांपों को पकड़कर जंगल में छोड़ने का कार्य बखूबी करने लगी हैं। उसके साहस ने महिलाओं का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। नगर में सोशल मीडिया पर पूजा की खूब तारीफ हो रही है। साथ ही अपील की जा रही है कि पूजा जहां कहीं भी सांप पकड़ने जाए तो संबंधित परिवार उसकी आर्थिक मदद जरूर करे ताकि वह भी अपने परिवार का भरण पोषण आसानी से कर सके। महिला होकर सांप पकड़ने वाली पूजा क्षेत्र एवं जिले की ही नहीं संभवतः प्रदेश की पहली महिला होंगी। जीवन यापन करने के लिए सांप पकड़ने जैसा दुष्कर कार्य प्रारंभ कर पूजा ने महिलाओं को गौरवान्वित कर अपने सदम्य साहस का परिचय दिया है। टाइम 8 के लिए मध्य प्रदेश के अंजड़ से रोहित मंडलोई की रिपोर्ट।